नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 136, 137 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इसका समय 10 मिनट का रहेगा। इसकी गति पहले 80 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि कृषि मंत्री महोदय एक बिल लाए हैं, लेकिन दुख है कि जैसा बिल लाया जाना चाहिए था वह नहीं आया। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने बड़ी हिम्मत से यह बिल पेश किया है, परंतु कुछ सदस्यों ने आज इसका विरोध किया है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब तक जंगलों को हम बचा कर नहीं रखेंगे और जमीन पर अनुचित कब्जा करने की लोगों की जो आदत है उसको नहीं रोकेंगे, तब तक हम जंगलों को नहीं बचा सकेंगे। हमारे सामने देश की जो एक अन्य सबसे बड़ी समस्या है वह है बेरोजगारी। उसे यही एक विभाग है जो सबसे ज़्यादा दूर करता है। आदिवासी लोगों को, गरीब और पिछड़े लोगों की जंगलों से ही रोजी रोटी चलती है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो जंगलों से ही फल फूल द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। मैं इस विषय में मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो बहुत हरा भरा है। यहाँ काफ़ी जंगल है, उनको काटा जा रहा है। यदि अभी इसको तुरंत नहीं रोका गया तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब वर्षा भी नहीं होगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में एक पत्र लिखा था। उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जंगलों की देखरेख के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। इसके बाद एक समिति बनी जिसको वहाँ जाकर सारी चीज़ों को देखना था तथा उसकी सिफारिश के अनुसार ना वहाँ काम होना था। इस समिति को बने हुए 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन यह समिति आज तक वहाँ नहीं जा सकती है। झगड़ा क्या है? झगड़ा यह है कि कनिष्ठ अधिकारी को इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। जो वरिष्ठ अधिकारी है वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे, उनके साथ कैसे जाएंगे। इसलिए यह जो चीज है इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और आपको इसको देखना चाहिए। पेरा चेंज, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह जंगलों पर आधारित है।
जो गरीब लोग हैं उनका गुजारा इनसे ही चलता है। जो इमारतें हैं वे लकड़ी की ही बनती है, ईंटें वहाँ नहीं होती है, सीमेंट का वहाँ कोई कारखाना नहीं है, इधर से ही वहाँ सीमेंट जाता है। उतने सीमेंट में सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता है, तो वह लोगों को कैसे मिल सकता है। अब हम इसी डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि कृषि मंत्री महोदय एक बिल लाए हैं, लेकिन दुख है कि जैसा बिल लाया जाना चाहिए था वह नहीं आया। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने बड़ी हिम्मत से यह बिल पेश किया है, परंतु कुछ सदस्यों ने आज इसका विरोध किया है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब तक जंगलों को हम बचा कर नहीं रखेंगे और जमीन पर अनुचित कब्जा करने की लोगों की जो आदत है उसको नहीं रोकेंगे, तब तक हम जंगलों को नहीं बचा सकेंगे। हमारे सामने देश की जो एक अन्य सबसे बड़ी समस्या है वह है बेरोजगारी। उसे यही एक विभाग है जो सबसे ज़्यादा दूर करता है। आदिवासी लोगों को और गरीब और पिछड़े लोगों की जंगलों से ही रोजी रोटी चलती है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो जंगलों से ही फल फूल द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। मैं इस विषय में मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बहुत हरा भरा है। यहाँ काफ़ी जंगल है, उनको काटा जा रहा है। यदि अभी इसको तुरंत रोका नहीं गया तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब वर्षा भी नहीं होगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में एक पत्र लिखा था, उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जंगलों की देखरेख के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। इसके बाद एक समिति बनी जिसको वहाँ जाकर सारी चीज़ों को देखना था तथा उसकी सिफारिश के अनुसार न वहाँ काम होना था। इस समिति को बने हुए 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन यह समिति आज तक वहाँ नहीं जा सकती है। झगड़ा क्या है? झगड़ा यह है कि कनिष्ठ अधिकारी को इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। जो वरिष्ठ अधिकारी है वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे, उनके साथ कैसे जाएंगे। इसलिए यह जो चीज है इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और आपको इसको देखना चाहिए। पैरा चेंज, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह जंगलों पर आधारित है। जो गरीब लोग हैं उनका गुजारा इनसे ही
चलता है। जो इमारतें हैं वे लकड़ी की ही बनती है, ईंटें वहाँ नहीं होती है, सीमेंट का वहाँ कोई कारखाना नहीं है, इधर से ही वहाँ सीमेंट जाता है, उतने सीमेंट में सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता है, तो वह लोगों को कैसे मिल सकता है। आज सारे देश में एक चर्चा चल रही है कि अंडमान में बहुत लकड़ी है, असम से लकड़ी नहीं आती है, चूंकि वहाँ से आ सकती है इसलिए वहाँ पर भी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, और वह असम से लकड़ी न आने के कारण से हुआ है। लकड़ी के दाम आज इतने बढ़ चुके हैं कि वहाँ के बेचारे गरीब लोगों को तो अपने घर बनाने तक में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।